एक बादशाह बोला है सिकंदर मशहूर है, उसकी ख्वाहिश थी दुनिया फतह करना, उसकी ख्वाहिश दुनिया फतह करना। तो वह तैयारी करके चला दुनिया फतह करने के लिए, हिंदुस्तान तक आया। हिंदुस्तान में भी शुमाल के इलाके में, पंजाब के इलाके में, वहां आकर उसकी फौज थक गई। वो कहने लगे हमें गांव ज्यादा तय है, हम वापस जाते हैं। फौज आगे बढ़ने तैयार नहीं, वापस जाना चाहती है। तो जब फौज वापस जाने चाहती है तो सिकंदर क्या करेगा, अकेला मार्च करेगा। मजबूरन बोली वापस गया, ख्वाहिश पूरी, बोलो भाई ख्वाहिश पूरी नहीं, वापस गया। वापसी में रास्ते में मौत आई, मौत आ गई। लंबा रास्ता, उसका गांव था यूरोप में, मैक्सिडोनिया, उसे उर्दू में मकदूनिया कहते हैं। अभी हमारा वहां एक जोड़ हुआ यूरोप का, अल्लाह का शुक्र है पूरे दुनिया में तबलीग का काम पहुंच गया, अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो यूरोप के जितने तबलीग के काम करने वाले थे वो सब सिकंदर के गांव में जमा हुए। 30 पर दो मुल्कों के लोग जमा हुए, कहते हैं यूरोप के 30 पर दो मुल्क, पलामेर पुगनोर मदनपली नवे, यूरोप के फ्रांस जर्मनी हॉलैंड बेल्जियम इटली, 30 पर दो मुल्कों के लोग उनके सिकंदर के गांव में जमा हुए और हमारे बुजुर्ग लगा गए थे। तो वापस गया हुआ, रास्ते में मौत आई उसे। वो बहुत समझदार था, समझ गया कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, मौत आ गई है। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था। तो उसने, उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी मौत परदेश में आ रही है, मुसाफरी में, परदेश में मौत आ रही है। यहां कौन मजार बनाएगा, कौन चद्दर चढ़ाएगा। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी मौत मुसाफरी में आ रही है, परदेश में। उसने फौज में ऐलान किया कि अरे है कोई जो मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मर जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मौत टल नहीं सकती, होता ही नहीं, लेकिन मुझे इतने दिनों की जिंदगी मिल जाए कि मैं वतन पहुंच जाऊं और वतन पहुंच के मर जाऊं। अरे है कोई जो मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि मैं वतन पहुंच के मरूं। अगर कोई मुझे दे दे तो मैं उसे मेरी पूरी दौलत देने तैयार हूं। इतना अगर मुझे कोई दे दे, मेरी पूरी दौलत मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। उसकी दौलत कोई मामूली दौलत नहीं थी, बड़ी बड़ी फौजों को उसने शिकस्त दी, कोई फौज उसके सामने टिक नहीं सकी। बड़े बड़े बादशाहों को तख्तों से नीचे उतार दिया, उनके हजारों साल के जमा किए हुए खजाने, बाप दादा खक्कड़ दादा सक्कड़ दादा, हजारों साल से जो उन बादशाहों ने खजाने जमा करके रखे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे थे, वो सब सिकंदर के हो गए। तो वो कहते हैं ये सब ले लो, ये सब ले लो, मुझे चंद दिन की जिंदगी दे दो, मैं वतन जाके मर जाऊं। ये दूसरी ख्वाहिश। पहली ख्वाहिश क्या, दुनिया फतह करना। दूसरी ख्वाहिश क्या, वतन जाके मर जाऊं। दोनों पूरी नहीं हुई, मौत आ गई। जब मौत आई तो उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखो। तो उसके मुसाहिबों ने पूछा कि बादशाह ये तो बड़ी अजीब वसीयत है, ऐसी वसीयत तो किसी ने नहीं की आज तक, ये आप क्यों कर रहे हैं।
आखिर उसकी वजह क्या है? क्या वह कफन के बाहर हाथ रखो? तो सिकंदर कहता है कि दुनिया देख ले, दुनिया देख ले कि दुनिया फतह करने वाला क्या ले जा रहा है दुनिया से। अरे जिसने बड़े बड़े फौजों को शिकस्त दी, बादशाहों को उतार दिया और उनके खजाने उसके मालिक बन गया, वो दुनिया से क्या ले जा रहा है? दुनिया देखे कि फात सिकंदर क्या ले जा रहा है। उसको उर्दू शायर ने लिखा है, लाया था क्या सिकंदर दुनिया से, ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले, क्या लाया था? अरे जब दुनिया में आया क्या लाया? खाली हाथ। और दुनिया फतह करके क्या ले जा रहा है? खाली हाथ। लाया था क्या सिकंदर दुनिया से, ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से।